गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सिक्स। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। क्लास ग्रामर में आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 17 एंड चैप्टर नेम है समास। तो क्लास सबसे पहले हम समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना, शब्द को छोटा करना। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके बोलते या लिखते हैं उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक हों उन्हें छोटा करके लिखते हैं या बोलते हैं उसे समास कहा जाता है। जैसे नीले कंठ वाला, इसे हम छोटा करके समास में क्या बोलेंगे, नील कंठ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नवीन शब्द की रचना होती है तब उसे समास कहते हैं। काइंड्स ऑफ समास, समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। तत्पुरुष, क्रमधार्य, द्रुगु समास, द्वंद समास, अव्यविभाव, बहुव्रीहि। सबसे पहले आपका तत्पुरुष। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, जैसे प्राण प्रिय राष्ट्रपिता। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इन दोनों शब्दों को विग्रह अलग करने पर कारक चिन्ह लगता है, जैसे प्राणों से प्रिय, राष्ट्र का पिता, ये करण कारक है और ये संबंध कारक। ये लिखा है राजपुत्र, राजा का पुत्र। विदेश को गमन, विदेश गमन। गृह, घर में प्रवेश, गृह प्रवेश। सम्मान के लिए समारोह, सम्मान समारोह। रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित। ठीक है, आपका सेकंड है क्रमधार्य। इस समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमा, उपमेय का संबंध होता है। नीलकंठ, नीलाकंठ। मृग नैनी, मृग के समान नेत्र वाले। चंद्रवदन, चंद्रा, चंद्रमा के समान चेहरा। लोह पुरुष, लोहो के समान पुरुष, लोहे के समान। यह है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्या बताता है, जैसे पंच मतलब कि पांच। ठीक है, त्रिवेद तीन, नवग्रह नौ। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, न्यूमेरियल है ना, जो नंबर बताए। द्वंद समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं किंतु विग्रह करने पर या तथा अथवा का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीताराम, सीता व राम। जब तप, आजकल, पाप पुण्य, बेटा बेटी, जन्म मरण आदि आते हैं इसमें। अव्यवी भाव में, इस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा संसद पद अव्यय का काम करते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति, यथापद अव्यव, अपूर्व, अव्यय, निर्जर, बेशक आदि। बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होता है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं किंतु संसद पद किसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं, जैसे माखन चोर अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि मतलब कि इसमें भगवान के नाम याद होते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात कौन, जिसका, गणेश। हंस वाहिनी, हंस पर है, तो हंस पर कौन थे, सरस्वती। गिरधारी, गिरी को धारण करने वाला कृष्ण। तो क्लास समास क्या था, जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नवीन शब्द की रचना होती है तब उसे समास कहते हैं। ठीक है, समास के काइंड्स कितने थे, 6। तत्पुरुष, क्रमधार्य, द्विगु समास, द्वंद समास, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि समास। तो क्लास अब इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। जैसे ये यहाँ पे लिखे हैं, आपको उनका समास के नियम लिखने हैं।